पूरा महादेव मंदिर पर आज श्रावण का पहला सोमवार, आज श्रावण के सोमवार का बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार को दिन भोले शंकर को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह भोले शंकर को अति प्रिय होता है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। शिवलिंग पर कुछ चीजें अर्पित करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कुछ चीजों को शिव पूजा के लिए लाखों लोग सुबह से ही लाइन में लगे हुए लोगों को भगवान शिव के दर्शन करने के लिए हर चुनौती को भक्तों को मात दे रहे हैं। इतनी गर्मी में भी लोगों के अंदर भावना इतनी भरी है, फिर भी दर्शन के लिए छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े जवान सब लाइन में लगकर बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बागपत पुलिस ने भी मंदिर को सुरक्षा व्यवस्था से पूरी तरह कवरेज करा हुआ है। आप देख सकते हो पुलिस कर्मी भी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। क्या नाम पंडित जी आपका? मेरा नाम पंडित जय भगवान शर्मा, मैं मुख्य पुजारी पुराना ही मंदिर। आज पहला सोमवार है, श्रद्धालु लाखों की संख्या में आ रहे हैं, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए आप देखिए, 2 बजे से आज रात्रि 2 बजे से जो श्रद्धालु लाइन में लगे, लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं, ये सुबह 2 बजे लगे हुए हैं और शाम अभी बाकी है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रथम सोमवार को जन सैलाब नहीं, शिव भक्त सैलाब भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक करने के लिए उभर रहा है। क्या छोटे बच्चे, क्या वृद्ध अवस्था में माताएं बहने और जो जितने भी श्रद्धालु हैं उसमें सलाह है। क्या मान्यता है पूरा महादेव मंदिर की? देखिए चमत्कार को नमस्कार भाषा, जो इतने श्रद्धालु लोग लाखों लोग लाइन में खड़े हैं तो कोई ना कोई कुछ कोई ना कोई है, तभी तो वहाँ आए हुए हैं। आस्था ये भी है कि रंग भी बदलता है 14वें दिन से। परमात्मा की जब कृपा होती है वो सारे काम करता है, और जब सारे काम वो करता है तो चमत्कार को नमस्कार है शिव में, भगवान शिव कब चमत्कार करते हैं वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं। रंग बदलता है वो कब बदलता है? श्रावण मास में अलग, फाल्गुन मास में अलग, भाग बदल गया। कितना अनुमान लगाया जा रहा है शिव भक्त यहाँ बदलते हैं? नहीं केवल अनुमान है, देखिए जन शक्ति और जन सैलाब भगवान शिव की जो ये जो सामूहिक जो कार्यक्रम है इसमें आप अनुमान लगाते हैं। अब जो लाखों लोग अब तक लाइन में लग चुके हैं तो आगे शाम बाकी है। मंदिर समिति की तरफ से क्या क्या सुरक्षा? मंदिर समिति की तरफ से पूर्ण इंतजाम, आपके बैठने की बैरिकेडिंग आपने देखा होगा, स्टील की बैरिकेडिंग लगाई हुई है और अंदर गवर्नमेंटर भी हमारे लगे हुए हैं। और उसके बाद योगी सरकार में जो पेंटिंग भी अपने ओर है, महाकुंभ जो मेला जो था इलाहाबाद में, तो उसमें जो 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 सुंदरता थी वो हम पूरा महादेव में। पंडित जी 2 साल कोरोना काल के बाद कावड़ आ रही है, कितनी बड़ी चुनौती मान लिया? चुनौती नहीं है, भगवान शंकर के यहाँ चुनौती नहीं है, भक्तों का एक मैं कहता हूँ श्रद्धा है और श्रद्धा उनकी उमंगता है, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल में शंकर जी के दर्शन नहीं कर पाए थे, तो उन्हें वो हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है शिव भक्त। मतलब लड़ने वाला है कि मतलब जिस स्थिति में भीड़ में आए, छीड़ में आए, रात आए, दिन आए, जब भी आए वो आएंगे, तो चुनौती कोई चुनौती नहीं है। मैं कहता हूँ हाँ, अभी देखिए बहुत वृद्ध अवस्था में माताएं जो भीड़ में लगी हुई है लाइन में, तो वो चुनौतीपूर्ण तो है कि वो कह रही है कि मैं भीड़ में रहते हुए भी शिव आराधना करूँगी। जनता एक 14 कब की और क्या बजे चलाएगी? 14-26 तारीख की जो है शाम को 6:48 के बाद 14 तारीख की सुबह 2 बजे से चलेगी।